दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय मौजूद रहे। प्रदूषण से लड़ने और दिल्ली की हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया जा रहा है। इस तकनीक को हमने अमेरिका से आयात किया है। ये टावर 24 मीटर ऊंचा है और ये 1 किलोमीटर दायरे की हवा को साफ करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस वीडियो में। अभी सभी अधिकारियों ने इस वायु संशोधन प्रणाली के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होंगे उनके विषय में बताया। आदरणीय श्री संजीव खिरवार जी नवांकुर दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। श्री डॉक्टर के एस जयचंद्रन मेंबर सेक्रेटरी नवांकुर मंत्री जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को श्री अरुण शर्मा सीजीएम एनबीसीसी और श्री के एस जयचंद्रन जी को डॉक्टर अनवर अली खान जो इंचार्ज हैं इस स्मॉग टावर के, तो सभी लोग नवांकुर देकर इस बहुत ही पुनीत भारत देश के अपने पहले अनूठे स्मॉग टावर के इस लोकार्पण अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और पर्यावरण मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली एक बार फिर इतिहास रच रही है अपनी तरह के इस पहले स्मॉग टावर के लिए, जो जाना जाएगा वायु को शुद्ध करने की प्रणाली को इस रूप में लाने के लिए। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय नाम पट्टिका का अनावरण करेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरण विभाग दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में इस स्मॉग टावर के लिए जो अनावरण पट्टिका है उसका अनावरण, ये नाम पट्टिका और इसका हुआ अनावरण, और इस तरह दिल्ली बना पहला राज्य जो इस तरह का अनुपम स्मॉग टावर जो जाना जाएगा वायु संशोधन के लिए, वायु संशोधन प्रणाली के विषय में। और उसके बाद सर मीडिया से बात करेंगे। अच्छा, वो ऑन करना है। थोड़ा सा इधर हो जाओ, नाराज़ मत हो। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है दिल्ली में। पोल्यूशन से लड़ने के लिए, अपनी हवा साफ करने के लिए आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इस तकनीक को अमेरिका से हम लोगों ने आयात किया है। इस टावर में ऊपर से 24 मीटर ऊंचा टावर है ये, और ऊपर से आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की हवा ये सक करेगा और फिर उसको साफ करेगा, और नीचे से जो पंखे हैं वो हवा नीचे आके और नीचे से ये हवा जो है वो रिलीज़ करेगा। और इसकी कैपेसिटी जो है वो लगभग 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हवा रिलीज़ करेगा। सो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर हवा साफ ये कर पाएगा। क्योंकि ये नई तरह की तकनीक है, इसको एक तरह से एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा जा रहा है। हम लोग आने वाले समय में इसके ऊपर लगातार आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे वो लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे और ये बताएंगे कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अगर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है
तो फिर इस तरह के कई सारे टावर पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जा सकते हैं। इसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसको बनाया है, NBCC ने इस पर पूरा कंसल्टेंसी दिया है और ये IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे की देखरेख में बनाया गया है, दिल्ली सरकार ने बनवाया है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा ये प्रयास है। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हर क्षेत्र में प्रयास हुए, हवा को साफ करने के भी काफ़ी प्रयास हुए हैं। 2014 में जितना प्रदूषण होता था, PM10 का जो लेवल था, PM2.5 का जो लेवल था, वो अब काफ़ी घट गया है। जैसे PM2.5 ही 2014 में 150 के करीब था, अब घट के 100 के करीब आ गया है। उसी तरह से PM10 जो है वो लगभग 300 के करीब था, अब घट के वो 150 के करीब आ गया है। तो काफ़ी कम हुआ है, ऑलरेडी काफ़ी कम हुआ है। कई सारे कदम दिल्ली के लोगों ने मिलके लिए हैं और अब ये वाला जो आज कदम लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखते हैं, हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन नए नए प्रयास करने चाहिए। हमने ये नया प्रयास किया और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के और कई सारे लगा सकते हैं, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर और नहीं, और दूसरी कोई तकनीक लेके आएंगे। आज हम इसकी हवा साफ करने की करेंगे, कोई राजनीतिक क्वेश्चन नहीं होगा ना इसी के ऊपर, टावर पे होगी चर्चा, कोई पंजाब बिहार किसी चीज पे चर्चा नहीं होगी। डेटा एनालिसिस शुरू तुरंत हो जाएगी, टोटल 2 साल तक माना जा रहा है इसको एनालाइज करेंगे, लेकिन इनिशियल ट्रेंड्स कब तक आने चालू हो जाएंगे? सर अभी इसमें कुछ फिल्टर वगैरह लगने हैं, तो 1 महीने के बाद में। एक महीने के बाद, मैं भी अभी इनसे यही पूछ रहा था उधर मैं कि भाई कब तक पता चल जाएगा, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि कब तक पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए और कितने सक्सेसफुल हुए। थैंक यू। और अब सर इन बटन को दबाकर इस टावर को शुरुआत देंगे, ये टावर अब फंक्शनल होंगे। आप देख सकते हैं इसके पंखों ने काम करना शुरू किया है और इन पंखों से जो हवा जनरेट होगी ऊपर से, जैसा सर ने बताया, सक करेगी और उसके बाद आप देख सकते हैं सर ने अभिवादन किया उन लोगों का जो इसके बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यह अनूठी सोच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दिल्ली प्रदूषण समिति के इस अनूठे प्रयास में शामिल होने के लिए। और किसी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया ने कैसे बना आशियाना।